नमस्ते दोस्तों, जब हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने जाते हैं तब हम अक्सर ग्राफ्ट लव्स को सुनते हैं, पर क्या हमें यह भी पता है कि हमें कितने ग्राफ्ट्स की जरूरत है? तो आइए जानते हैं कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट में आपको कितने ग्राफ्ट्स चाहिए। जब भी आप कोई क्लिनिक विजिट करते हैं या आपकी बाल्डनेस की फोटो शेयर करते हैं तो आपको ये जवाब आता है कि आपको 2000 या 2500 ग्राफ्ट्स की जरूरत है और आपको इतना खर्चा आएगा। दोस्तों, आपका हेयर लॉस कितने स्टेज का है ये डिसाइड करेगा कि आपको कितने ग्राफ्ट्स चाहिए। नॉरवुड क्लास पैटर्न ऑफ हेयर लॉस आपको गाइड करेगा कि आपका हेयर लॉस किस स्टेज पर है। आप इन पैटर्न के जरिए देख सकते हैं कि आप किस स्टेज में हैं। क्लास 2A, क्लास 3, क्लास 3 वर्टेक्स, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 5A, क्लास 6, क्लास 7। जब आपका स्टेज डिसाइड हो जाएगा तो आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कितने ग्राफ्ट्स की जरूरत है इस गाइड के जरिए। क्लास 2A 1400 टू 2200 ग्राफ्ट्स, क्लास 3 1600 टू 2400 ग्राफ्ट्स, क्लास 3 वर्टेक्स 2600 टू 3200 ग्राफ्ट्स, क्लास 4 2200 टू 3400 ग्राफ्ट्स, क्लास 4 विद क्राउन 3400 टू 3800, क्लास 5 2600 टू 3800, क्लास 5 विद क्राउन 3800 टू 4500, क्लास 6 3000 टू 4600, क्लास 7 3200 टू 5000। तो ये थी जानकारी दोस्तों कि आपको कितने ग्राफ्ट्स की जरूरत है। अब आप ये जान सकते हैं कि आप कौन से स्टेज में हैं और आपको लगभग कितने ग्राफ्ट्स की जरूरत है। दोस्तों, आपको ये भी जान लेना होगा कि हर एक व्यक्ति का हेयर कैरेक्टरिस्टिक, हेयर डेंसिटी, स्कैल्प लेक्सिटी, हेड साइज, हेड शेप, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल एस्थेटिक नीड अलग होती है, तो आपकी ग्राफ की जरूरत भी हर एक व्यक्ति से अलग होगी। तो ये थी जानकारी कि हर एक व्यक्ति को हेयर ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट की जरूरत कितनी है। अगर आपको ये जानकारी लाभदायक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी आपके हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर। शुक्रिया।